हाय फ्रेंड्स, आज हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स ईयर 2023-24 क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने वाले हैं। कैलकुलेट द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द डाटा फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल्स। सो टेबल में क्लास और रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। सो ये जो प्रॉब्लम है कंटिन्यूस सीरीज डाटा रिलेटेड प्रॉब्लम है। सो ऐसे को सॉल्व करते हैं। सो मैंने पहले से एक टेबल बना के रखा है। सो यहाँ पे जो भी मतलब डाटा दिया हुआ है क्लास इंटरवल को एक्स के हिसाब से लिखा है और उसका रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखा है। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो इस टेबल में नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज और ये कंटिन्यूस सीरीज का मिड वैल्यू कैलकुलेट करना है। देन नेक्स्ट इज हमको एफ इंटू मिड वैल्यू मल्टीप्लाई करना है और उस सबका सम निकालना है। सो यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट वन दैट इज 3, 3 प्लस 61 दैट इज 64। द नेक्स्ट वन इज 132, 64 प्लस 132 दैट इज 196। द नेक्स्ट 196 प्लस 153 दैट इज 349। देन 349 प्लस 140 दैट इज 489। सिमिलरली 489 प्लस 51 दैट इज 540। एंड द नेक्स्ट इज 540 प्लस 2 दैट इज 552। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज एन, ये हो गया हमारा 552। उसके बाद हमको मिड वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 दैट इज 25। सिमिलरली 30 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 35। नेक्स्ट वन है 45, नेक्स्ट वन है 55, देन 65, देन 70 प्लस 80 डिवाइड बाय 2 दैट इज 75, देन लास्ट वन इज 85। सो नेक्स्ट हमको एफ इंटू एम मल्टीप्लाई करना है। एफ इंटू एम 3 इंटू 25 दैट इज 75, देन 61 इंटू 35 दैट इज 2135। द नेक्स्ट इज 130 प्लस 45 दैट इज 5940। द नेक्स्ट वन इज 153 इंटू 55 दैट इज 8415। Then 140 into 65 that is 9100. The next one is 51 into 75 that is 3825. And the last one is 170, 2 into 85. So here I'm looking at sum of FM equals to that is 29,660. So ye ho gaya hamara table formation. So pehle hum log kya karenge yahan pe मीन कैलकुलेट करेंगे। सो मीन इज रिप्रेजेंट बाय एक्स बार दैट इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ इनटू एम डिवाइड बाय एन। सो समेशन हम लोग कैलकुलेट किया यहाँ पे 29,660 डिवाइड बाय 542। सो ये हो जाएगा हमारा 54.72, ये हो गया मीन का वैल्यूज। सो नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोड। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, मीडियन कैलकुलेट करेंगे। सो मीडियन इज दैट इज एम इक्वल्स टू, सो पहले हम लोग एन बाय टू, क्योंकि ये ऑड सीरीज है एन बाय टू वाला फॉर्मूला यूज करेंगे आइटम्स। सो दैट मीन्स 542 डिवाइड बाय 2 दैट इक्वल्स टू 271 टर्म होगा। सो यहाँ पे देखेंगे 271 कहाँ पे आ रहा है, 271 इसी इंटरवल के बीच आ रहा है। दैट मीन्स ये जो रॉ है ये सिलेक्ट होगा। सो ये मीडियन का फॉर्मूला दोबारा लिखते हैं। एम इक्वल्स टू दैट इज एल वन प्लस एल टू माइनस एल वन डिवाइड बाय एफ वन इंटू एम माइनस सी। सो यहाँ पे लोअर लिमिट है 50, देन एल टू का वैल्यू हो गया 60 माइनस 50, फ्रीक्वेंसी है 153, एम का वैल्यू हो जाएगा 271 और इस दोनों के बीच कॉमन इंटरवल 10 है। सो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे सो ये हो जाएगा 67.05। सो ये हो गया मीडियन का आंसर। इसके बाद हम लोग मोड कैलकुलेट करेंगे। सो मोड के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। सो जेड इक्वल्स टू दैट इज एल वन प्लस एफ टू डिवाइड बाय
एफ जीरो प्लस एफ टू इंटू आई, आई स्टैंड फॉर कॉमन फैक्टर्स। सो यहाँ पे हम लोग क्या करके एल वन गिवेन है 50, एफ टू हो गया दिस वन इज एफ वन, ये एफ टू है। सो एफ टू इक्वल्स टू दट इज 140 एंड सिमिलरली एफ जीरो मतलब आपका प्रीवियस वाला 132। सो 132 हो गया एफ जीरो, सो दैट इज 132 प्लस 140 इंटू कॉमन फैक्टर 10 है। सो उसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे सो ये आंसर हो जाएगा 55.14। सो दिस इज द आंसर फॉर मीन, द नेक्स्ट इज मोड, सॉरी दिस मोड एंड मीडियंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल्स, थैंक यू।